गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिक्के जीत सर में। आज है 19 जनवरी और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार है वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, देखिए आज की अपडेट क्या है। पास नहीं होने पर नहीं किया जाएगा प्रमोट, ई ग्रेड मिली तो देनी होगी 8वीं में पूरक परीक्षा। दोस्तों अगर आपसे संबंधित कोई भी अपडेट है तो आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। कैरियर की उड़ान, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग MO के 980 पदों पर नौकरी के अवसर। आप इधर देख सकते हैं कई यहाँ पर नौकरियाँ के अवसर है, तो पूरी अपडेट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 30 जनवरी अंतिम तिथि। ICAR तकनीशियन पदों के लिए एक और मौका। DWSS 88 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। प्रोग्रामर सहित विभिन्न पदों के लिए निकली भर्ती। नेक्स्ट अपडेट क्या चलते हैं दोस्तों, देखिए सहायक आचार्य के 5 पदों के सर्जन को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के लिए दी स्वीकृति। संस्कृत महाविद्यालय में व्याख्याता के 4 पदों का सर्जन। सरकारी स्कूलों में अगले शिक्षण सत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की तैयारियां शुरू। संस्था प्रधानों से संभावित मांग 22 जनवरी तक देने के निर्देश। स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा उपरांत अधिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी। ऑनलाइन काउंसलिंग 21 से 24 जनवरी तक। 19 तक होगी अधिशेष शिक्षकों की सूची जारी। अगले सत्र में क्रमोन्नति मापदंड पूरे करने वाले स्कूलों के प्रस्ताव मांगे। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति 31 जनवरी तक भेजेगी CBO को प्रस्ताव। RS 2021 मुख्य परीक्षा 25 व 26 फरवरी को। राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन बोर्ड JEE के 1092 पदों पर होगी भर्ती। जिले में पहुंचे रीट के 19,000 प्रमाण पत्र। श्रीगंगानगर PG स्तर पर शुरू होंगे अब पावर सिस्टम व रिन्यूएबल एनर्जी कोर्स। इंजीनियरिंग कॉलेज UG स्तर पर भी स्पेशलाइज्ड कोर्स के प्रस्ताव। शिक्षा में भेदभाव बंद करें सरकार, नियम एक समान हो। कोरोना में स्कूलें बंद रखने और कॉलेजें खुली रखने का मामला। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप वीडियो को रोक करके आराम से इनको पढ़ सकते हैं। 3 विभागों में JEE को निकली भर्तियां। 21 जनवरी से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करने की मांग मुखर। बोर्ड ने रिट के प्रमाण पत्र जिला केंद्रों को भेजे। अभ्यर्थी वेबसाइट पर रोल नंबर अंकित कर जान सकेंगे केंद्र का नाम। 1 वर्षीय गणित स्नातक को नहीं किया जाएगा DPC में शामिल। हाईकोर्ट ने दिए अंतरिम आदेश। वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश। विश्वविद्यालय में PG द्वितीय सेमेस्टर की 21 की परीक्षा स्थगित, अब 29 को होगी। CTET की परीक्षा तिथि टकराने के कारण किसका ही। व्यास विश्वविद्यालय। ऑनलाइन क्लासेज से पूरा करवाएंगे सिलेबस। CBSE साइंस चैलेंज में 8वीं से 10वीं तक के छात्र दिखाएंगे हुनर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नीट UG दाखिले के लिए आज से शुरू होगा पंजीकरण। सीटें कम तो छात्रों को इंजीनियरिंग में ब्रांच बदली। आयोग ने कॉलेज पर लगाया हर्जाना। 10,000 कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती होंगे, विज्ञापन जल्द। मार्च अप्रैल में हो सकता है एग्जाम। विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग को भेजी रिक्वेस्ट। कंप्यूटर अनुदेशक के 10,000 पदों पर भर्तियां। संस्कृत विश्वविद्यालय का ऑनलाइन दीक्षांत समारोह आज। रीट पात्रता प्रमाण पत्र हुए जारी। 11,00,000 अभ्यर्थियों को इंतजार खत्म। अब 32,000 शिक्षकों की भर्ती में शामिल हो पाएंगे कैंडिडेट।
19 और 27 जनवरी से होने वाली परीक्षाएं स्थगित। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। रीट के प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू। राजस्थान बोर्ड। मेधावी छात्रों को 3 साल से लैपटॉप वितरण करना बोली राज्य सरकार। भर्तियों में धांधली के विरोध में शौर्य चक्र विजेता जाखड़ अनशन पर बैठे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन स्थगित। प्राथमिक शिक्षा को मिलेंगे 10,000 शिक्षक। प्रदेश में 2400, जयपुर में 110 शिक्षक अधिशेष। कोर्ट में अटके प्रकरणों को नहीं दी जाएगी पद स्थापना। सहायक प्रधाना अध्यापक के पदों पर सीधी नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान। 11,00,000 अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म। रिट पात्रता प्रमाण पत्र हुए जारी। एनडीए में महिलाओं की संख्या इतनी कम क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से महिला अभ्यर्थियों के सीमित प्रवेश मामले में ये तीखा सवाल किया। कोचिंग वालों को बेच डाली पिंक सिटी की मेट्रो। 4 सप्ताह में नियुक्ति दो वरना स्वास्थ्य निदेशक पेश होकर दे जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट। CMA फाउंडेशन का परिणाम घोषित। जयपुर के 465 विद्यार्थियों में से 417 हुए पास। इंतजार खत्म। जारी हुई रिट प्रमाण पत्र। कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ मनेगा गणतंत्र दिवस समारोह। छात्र छात्राओं को नहीं किया जाएगा शामिल। बेरोजगारों की विद्युत भवन में वार्ता। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के सिलेबस में अंग्रेजी और हिंदी विषय को हटाने पर बनी सहमति। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।